आप सुन रहे हैं रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। जय जवान जय किसान। नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं आरजे मारतंड। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण यहाँ पूरा देश पूरा विश्व ठप हो चुका था और आज भी कई चीजें ठप हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग जो ना कभी रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा, वे है हमारे किसान भाई। जी हाँ श्रोतागण, जहाँ इस वायरस के चलते सब परेशान है, किसान भाई भी परेशान है और लगाए गए लॉकडाउन का असर पूरे देश पर और साथ ही किसान भाइयों पर भी पड़ा है। इन सब के बीच भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके तहत लोगों की मदद की जा सके और भारत का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर बन सके। तो श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों के लिए कौन कौन सी खास योजनाएं हैं और साथ ही इस समय जो ताजा मामला है टिड्डा दल के प्रकोप का, अगर गोरखपुर में इस दल का प्रकोप होता है तो गोरखपुर से संबंधित कृषि अधिकारी कितने तैयार हैं इससे निपटने के लिए, इन सब तमाम विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के जिला उद्यान अधिकारी श्री बलजीत सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गोरखपुर 90.8 पे। थैंक यू रेडियो गोरखपुर 90.8। मैं बलजीत सिंह, जिला उद्यान अधिकारी गोरखपुर। जो कोविड की महामारी है, इसमें जो मूल समस्या हुई है वो बेरोजगारी की हुई है हमारे कृषकों को, श्रमिकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी एक और तो वो बीमारी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे व्यावसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हुए हैं, तो वहाँ से उनका रोजगार छीना है, वहाँ से वो वापस अपने घरों की ओर वापस हुए हैं और यहाँ भी रोजगार की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। तो इन परिस्थितियों में उनके लिए कुछ रोजगार मुहैया जो करा सकती है वो केवल खेती ही है, जो सबसे ज्यादा रोजगार इन ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले प्रवासी हमारे जो मजदूर है उनको दे सकती है। जी बिल्कुल सर, आपने सर बहुत अच्छी बात की कि जो मजदूर भाई अपने काम धंधे छोड़ कर के बाहर से अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो उनका सबसे अच्छा रोजगार का साधन खेती ही हो सकता है। और जहाँ तक सर प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख करोड़ का सर बजट आया है, इसमें किसानों के लिए सर क्या खास है? देखिए, जो 20 लाख करोड़ के बजट की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई थी, उसमें जो हमारा विभाग है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, उसमें मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण और औषधीय फसलों की खेती और मधुमक्खी पालन पर बढ़ावा और कुछ वृक्षारोपण, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना चलती है, उस योजना को डबटेल करने का योजना है हमारी मनरेगा के अंतर्गत। तो ये मुख्य योजना है जिसमें तत्कालिक हम लोग रोजगार सृजन कर सकते हैं, क्योंकि जो गांव के अंदर आने वाले ये हमारे श्रमिक हैं, इसमें ज्यादातर या तो गांव के हमारे जो श्रमिक थे पहले से, जो परंपरागत रूप से मजदूरी का काम करते थे वो हैं, या हमारे गाँव में जो छोटे छोटे काश्तकार थे उनके घर के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, क्योंकि खेती उतनी रही नहीं थी, अब वो अच्छे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ गए थे, लेकिन चूंकि शहर के अंदर भी जो रोजगार के साधन थे उनके वो बहुत सीमित हो गए हैं या छिन गए हैं, और इन परिस्थितियों में उनको दोबारा लौट के वापस अपने गांव आना पड़ा है, उसी खेती में अपने उन्हीं परंपरागत हमारी कृषि को, उन्हीं रोजगारों को वो फिर से टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी सर, सरकार का भी कहना है कि किसान भाई इस समय संकट की इस घड़ी में हर्बल खेती का उपयोग करें। जी हाँ, अपने खेतों में हर्बल खेती यानी कि औषधि गुणों वाली फसलें ही लगाएं, जिससे उनकी उत्पादन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ मुनाफा भी बढ़ेगा और साथ ही इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने शरीर के लिए। तो सर, आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे और ऐसी कौन कौन सी हर्बल फसलें हैं जिन्हें बोया जाए, जिन्हें उगाया जाए और उनसे अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जाए? देखिए, जैसे कि हर्बल खेती के बढ़ावा की बात इस बजट में भी की गई है जी, तो हर्बल खेती के बारे में बात बता दो कि हर्बल खेती यानी कि औषधीय फसलों की खेती यदि जनपद में होती है, किसी भी क्षेत्र में होती है, तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि रोजगार सृजन होता है और दूसरा ये फायदा होता है कि छोटे छोटा आयुर्वेद हमारे गांव में अभी भी जिंदा है, तो यदि हमारे पास सामग्री मिलती है यानी कि कच्ची सामग्री यानी कि कच्ची औषधि यदि हमें मिलती है, कच्चा माल यदि हमें मिलता है, तो छोटी छोटी दवाइयां जो हमारे स्वास्थ्य का रक्षण करती हैं लोग गांव में ही बना लेते हैं। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, जैसे तुलसी हम घर में प्रयोग करते ही करते हैं, एलोवेरा हम घर में प्रयोग करते ही करते हैं, शतावरी हमारी हो गई, अश्वगंधा हो गई, सर्पगंधा हो गई, आंवला हो गया, नीम हो गया, बेल हो गया, बेर हो गया, इस तरह से बहुत सारी फसलें हैं जो कुछ प्लांटेशन की क्रॉप है इसमें,
और कुछ हमारी एनुअल हर्ब्स हैं। इसमें जो अपना जनपद गोरखपुर है, गोरखपुर में बहुतायत में अभी जो औषधीय फसलों में काम शुरू हुआ है, इसमें शतावरी पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। लगभग हमारे जनपद के 200 से अधिक किसान शतावरी की खेती से जुड़े हुए हैं जी। और ये मुख्यतः गगा ब्लॉक हमारा है, उरवा ब्लॉक है और हमारा बांस गाँव है, इन क्षेत्रों में और पाली, इन क्षेत्रों में बहुतायत में ये खेती हो रही है। और मैंने इसको किसानों से जो की वार्ता की है और आयुष मिशन और औषधीय पौध मिशन जनपद में लागू भी है योजना, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों को 33% से लेकर 50% तक अनुदान भी दिया जाता है फसल के लागत के अनुसार, जो उनकी इकाई लागत मानी गई है। तो इसका अच्छी चीज शतावरी में ये हो रही है कि यहाँ पे बाई बैक भी होता है। बाई बैक का मतलब ये होता है कि किसान जो पैदा करता है, कुछ कंपनियां पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम आपका पैदा हुआ माल खरीदेंगे, तो इससे किसान को मार्केटिंग की समस्या नहीं फेस करनी पड़ती है। ये चूंकि विशेष फसल होती है, सर्वगंधा अश्वगंधा, तो इसमें किसान को ये लगता है कि मेरा माल तो पैदा हुआ लेकिन वो बिकेगा कैसे। जी जी। ऐसा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समस्या मार्केटिंग की हो जाती है कि हमारे पास अब बल्क में हुआ, कोई एक गमले में या दो गमले में या एक फीट जमीन में या दो फीट जमीन में तो है नहीं, तो हम एकड़ों में करते हैं, उसे हेक्टेयर में करते हैं, तो उस माल को बिकने की समस्या पैदा होती है। तो शतावरी में हमारा जिला बहुत अच्छा काम कर रहा है, शतावरी हम लोग लगभग पूरा बिकवा पा रहे हैं इस जनपद से। दूसरा भी कुछ कंपनियों से मेरी बात भी हुई है और कुछ कंपनी डायरेक्ट भी अप्रोच कर रही है, उत्साहित है वो लोग इसमें काम करने के लिए। तो सर्वगंधा भी मांगा जा रहा है कि अगर हम सर्वगंधा करते हैं तो हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सर्वगंधा भी करिए, कोशिश करेंगे कि आप आपका सर्वगंधा बिकवा दें, या और भी फसलों के बारे में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, किसान भाई प्रयास कर रहे हैं। तो इससे किसानों को बहुत फायदा, एक और फायदा इससे किसानों को ये होता है इन फसलों से कि इनकी जो देख रेख है वो उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसको नीलगाय या जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं, तो इससे इसलिए बहुत फायदे की चीज है ये। यदि इसकी मार्केटिंग मिल जाए तो इससे मतलब चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। जी सर बिल्कुल। सर जहाँ तक बीज की गुणवत्ता की बात है, इसकी उपलब्धता की बात है, तो कहाँ पर हर्बल फसलों के बीज अच्छे मिलेंगे जिसे किसान भाई अपने खेत में लगा सके और बढ़िया उत्पादन करके मुनाफा कमा सके? ये दो तीन तरह के इसके तरीके होते हैं। एक तो जो कंपनियां बुआई करवाती हैं, जो बाई बैक का प्रॉमिस करती हैं हमसे, वो खुद अपना बीज उपलब्ध करा देती हैं। दूसरा, जो किसान पहले से बो रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, वो भी एक हमारा साधन स्रोत हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा स्रोत तीसरा होता है कि हमारी कुछ भारत सरकार की संस्थाएं, जैसे लखनऊ के अंदर सीमैप है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, तो वो भी ये लखनऊ में है और वो भी इसको प्रोवाइड करवाते हैं बीज को, अगर कोई उनको अपनी मांग बताता है तो वो लोग भी उपलब्ध कराते हैं, ये कुकरेल पे है। जी जी बिल्कुल सर। और सर मार्केटिंग कैसे की जाए हर्बल खेती की, जिससे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो? मार्केटिंग देखिए, चूंकि विशेष फसलें हैं, इसकी ओपन मार्केट तो होती नहीं है कि आप कहीं भी रख के इसको बेच सके या कोई भी खरीद सके। इसको ज्यादातर हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, हमारे बड़े बड़े ग्रुप है, डाबर है हमारा, आयुर्वेदिक कंपनियां जितनी भी है, हमदर्द है, बैद्यनाथ है हमारा, और पतंजलि में है, और इस तरह के और बहुत सारे चित्रकूट में आरोग्य धाम है, इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हमारे हैं ये क्रय करते हैं, या कुछ मार्केटिंग करने वाली कंपनियां बीच में लगी हुई हैं, तो भारत से बाहर विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट करती हैं। जी जी सर। अगर मार्केटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो जो आम किसान है जो हर्बल खेती करता है, लेकिन उसे प्रक्रिया पता नहीं है कि किस तरह हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, हम कहां इसे बेचेंगे, तो उसके लिए सर क्या उचित साधन, कोई सरल उपाय? मैं चूंकि यहाँ पर अधीक्षक राज्य उद्यान कार्यालय है मोतीपुर में, और हमारे जो कर्मचारी हैं वो ब्लॉक पर भी और तहसील पर भी रहते हैं और विजिट भी करते हैं किसानों के बीच में। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो किसी भी कार्य दिवस में वो आके हमारे कार्यालय से पूरा पता कर सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है और कौन सी फसल की मार्केटिंग यहाँ आराम से हो सकती है, कौन सी फसल यहाँ की जलवायु या यहाँ की जमीन के लिए उपयुक्त है। हमारा कार्यालय पूरा उनके साथ है, किसानों के साथ है, रोजगार सृजन में हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। जी जी सर बिल्कुल। सर आजकल हम देखते हैं कि रसायन और केमिकल्स का उपयोग बहुत ही ज्यादा होने लगा है खेती में, जिसके कारण फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सर जैविक खेती कितना कारगर है फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए? सर आप जैविक खेती पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात काफी हद तक सही है। देखिए, जैविक खेती होनी चाहिए और केमिकल का प्रयोग खेतों के अंदर कम होना चाहिए, इस पे सरकार का भी बहुत ज्यादा जोर है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ही देश के अंदर सिक्किम जैसा प्रांत पूरा का पूरा जैविक खेती पे जा चुका है और वहाँ एक भी एरिया में, एकड़ एरिया में अब जो है रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ जैविक खेती वहाँ की जाती है। तो क्यों ना हम भी ऐसा कर सकें, और बहुत सारे हमारे जो हिल स्टेट है वो भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। हम भी मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को और इस तरफ हमने थोड़ा सा प्रयास करना शुरू कर दिया है। हमारे एक ब्रह्मऋषि करके एक एफपीओ बना हुआ है यहाँ पे,
जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके माध्यम से भी वो लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं लगातार। अब बहुत जल्दी हम लोग इस पोजीशन में आएंगे, क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं होती है, कम से कम 3 साल जमीन को हमें केमिकल फ्री करना होता है, तब हम सर्टिफिकेशन पोजीशन में आते हैं। तो अभी हम शुरुआती पहले साल दूसरे साल में है, जैसे ही हम इस तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे और भी किसान जुड़ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर हमारी खेती जैविक होगी तो हमारा उत्पाद जैविक होगा। तो जैविक उत्पाद अपने आप में, अगर हम जैविक उत्पाद खाते हैं, अगर केमिकल फ्री चीजें खाते हैं, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होने लगती है। फिर हमें किसी बाहर से किसी इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो नॉर्मल इम्यूनिटी हमारी केवल जैविक खेती से ही उत्पन्न हो जाती है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि पहले तो बहुत सारे इंजेक्शन वैक्सीनेशन ही बहुत कम होते थे लोगों के अंदर, क्योंकि वो जैविक उत्पाद खाते थे। सर, जहां लॉकडाउन के चलते हर एक नागरिक परेशान है और किसान भाई भी अछूते नहीं है, किसान भाइयों को भी समस्या हुई है, ये भी सच है कि उनके कृषि कार्यों में उतनी बाधा नहीं आई, लेकिन हाँ, मार्केटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो मार्केटिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण उनकी भी आमदनी पर प्रभाव पड़ा है। तो सर, सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए? पहले तो मैं आप लॉकडाउन के बारे में बता दूं कि सरकार ने पहले दिन से ही प्रयास किया है और ये उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कई अपने आदेशों में कि कृषि कार्य पर किसी तरह की रोक नहीं है जी। और प्रशासन द्वारा भी कृषि कार्य को रोका नहीं गया है। आपकी कंबाइन मशीन चली है, आपकी सब्जी की बिक्री डोर टू डोर हुई है, आपके फलों की बिक्री डोर टू डोर हुई है और किसानों के खेत से भी सब्जियां मार्केट तक आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किसानों को परेशानियां हुई है, क्योंकि लॉकडाउन का नेचर कुछ इस तरह का था, उस समय एंट्री को बैन करना था, तो कोशिश काफी पूछताछ में भी काफी परेशानियां हुई है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है, कई जगह हमने प्रयास किया है कि किसानों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी चूंकि जगह कम हो गई थी बिक्री की जगह कम होने की वजह से, क्योंकि माल जहां वो कई जगह रख के बेचते थे, अब उनको उतनी जगह नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा रेट पर अंतर उनके आया था और कुछ चीजें जो अच्छे रेट बिकने की थी वो रेट उनको नहीं मिल पाया था। उसके साथ साथ ये हमारी जो सब्जियों की खेती, इसको बढ़ावा देने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसकी फसल जल्दी आ जाती है और जल्दी हमारे किसान को रोजगार और पूंजी मुद्रा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, मधुमक्खी पालन की योजना पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर किसान हमारे मधुमक्खी पालन करते हैं तो छोटी छोटी एक तरह से ये औद्योगिक इकाई हो जाएंगी मधुमक्खी की, और शहद वो निकाल कर बेचेंगे, तो शहद तो इम्यूनिटी बढ़ाने के काम भी आता है और साथ साथ हमारे किसान को उससे घर पे ही प्रयोग करेगा तो इम्यूनिटी घर के लोगों की बढ़ेगी और साथ साथ शहद किसी भी कंडीशन में 200 रुपए किलो से कम नहीं बिकता है, उससे ज्यादा ही बिकता है। यदि हम अच्छी क्वालिटी का देंगे तो 200 से 300 रुपए किलो वो अपने घर से ही बेच सकते हैं उसको। तो इस पर भी सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है और सरकार की योजना है और बजट में प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ आपने औषधीय फसलों का पूछा है, औषधीय फसलों पर भी जोर है सरकार का, और खाद्य प्रसंस्करण की बहुत सारी है जो हम प्रशिक्षण देंगे बच्चे बच्चियों को, ताकि वो अचार चटनी और अपने जैम जैली बनाकर आत्मनिर्भर बने और अपने उद्योग स्थापित करें। सर, अभी जो ताजा मामला आया है टिड्डा दल के आक्रमण का, तो अगर टिड्डा दल का प्रभाव गोरखपुर में भी पड़ता है तो गोरखपुर के कृषि अधिकारी कितने तत्पर हैं इस दल से मुकाबला करने के लिए, इसे दूर भगाने के लिए? हाँ, टिड्डी दल हमारा जो गल्फ एरिया है वहाँ से शुरुआत होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से होता हुआ हमारे जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, सबसे ज्यादा वहाँ इसका प्रकोप होता है जी। लेकिन फिर भी बचाव के लिए इसके पहले से हम लोग केमिकल स्प्रे वगैरह जैसे कि क्लोरोपाइरीफॉस, मेटाराइजियम जैसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और चूंकि जब प्रकोप होने की संभावना होती है तो इसकी एडवाइजरी जारी हो जाती है कि कल या आज हमें आ सकती है, क्योंकि ये 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है एक दिन में टिड्डी दल जो होते हैं। तो अभी कोई ऐसा कोई डिक्लेरेशन या कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं है, फिर भी अलर्ट मोड में हमारे यहाँ है। मेरी बात हुई कि इसमें जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी से और कृषि रक्षा अधिकारी जी से और उप कृषि निदेशक जी से भी बात हुई थी, तो वो सब अलर्ट मोड में है और सब परिस्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यदि बारिश हो जाती है तो इसका प्रकोप थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, तो संभवतः बारिश हुई है तो थोड़ा इधर प्रकोप उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम अलर्ट मोड में है जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बातों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे गोरखपुर के जिला उद्यान अधिकारी बलजीत सिंह जी, जिन्होंने इतना बखूबी ढंग से सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में बताया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया और लॉकडाउन के कारण जो किसानों की समस्याएं हैं उनके निवारण भी बताएं। तो ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन।